देखिए, आप लोगों की प्रधान जिम्मेवारी है अपने घर को सुव्यवस्थित ढंग से चलाना। उसके बाद अगर समय सुविधा मिले तो समाज सेवा करना। लेकिन हमारे जैसे पिछले क्षेत्र के महिलाएं अगर निकल के नहीं आएंगे तो हमारी हालत सुधरने वाली नहीं है। इसीलिए हमारा प्रधान काम होगा हमारे किसानों को समझाकर सहकारी आंदोलन की शुरुआत करना। मैं समझ सकती हूँ आप लोगों को सहकारिता के बारे में समझ में नहीं आ रहे हैं। सहकारिता कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं आप सबसे सहकारी तौर पर की जाने वाली खेती के बारे में बताने वाली हूँ। अगर हम किसान एक साथ मिलकर खेतीबाड़ी करते हैं तो सरकार हमारे कई तरह से सहायता करेगी, जैसे ट्रैक्टर से सामूहिक तौर पर जुनाई कर देगी, बैंक से लोन लेना भी आसान होगा। इसके अलावा हमारे खेत में प्रदर्शन मूलक खेतीबाड़ी के लिए मुफ्त में उन्नत मानदंड के बीज, खाद, इन सब का भी उपलब्ध कराएंगे। इसका नतीजा ये होगा कि हमारी सहजता से आर्थिक विकास होगा। तो चलिए हम अपने अपने घर वालों को सहकारी तौर पर दी जाने वाले खेती के लिए प्रोत्साहित करें। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ये जो है ये हो गया। अच्छा अच्छा, ये ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन वो क्या है? हाँ, ये हो गया आपका। रमजान भाई जरा सुनो तो। ओ हनेश्वर जी, रुकिए मैं आ रहा हूँ। रमजान भाई बोलो। बड़ी मुश्किल में हूँ, ये सामान बेचना चाहता हूँ। इससे मैं क्या करूँ? देखो भाई, मेरी बेटी काफी बीमार है, जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं है, इसलिए ये बेचनी पड़ी। ठीक है, तो मैं ये रख लेता हूँ। कितने हैं भाई? 100 रुपये। कुछ और रुपये दे दो भाई। देखो हनेश्वर, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, तुम मुसीबत में हो इसीलिए ले रहा हूँ। ऐसा मत कहो रमजान भाई, बेटी की जिंदगी के लिए मांग रहा हूँ, कुछ और दे दो। ठीक है, और 20 रुपये ले लो। ठीक है, चलता हूँ। चाचा, बाजार में आया हो? क्या खरीदा? कुछ नहीं रे, क्या खरीदूंगा, घर में बेटी बीमारी से तड़प रही है, उसके इलाज के लिए दवाई खरीदने के लिए पूरे पैसे भी जुगाड़ नहीं कर पाया हूं। ये लो,
मुझसे ज्यादा तुम्हें इसकी जरूरत है। लो। दूध की नदियां बहा दे, अन्न उगा दे, बिना थके बिना रुके, सर्दी गर्मी बरसात की परवाह किए बिना जो अडिग है, अटल है, वो किसान है। कामयाबी के आसमान पर पहुंचे धरती पुत्रों की दास्तान, सफल किसान। कार्यक्रम सफल किसान सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ए बकुल, बकुल बेटा का दिन भर खबर ही नहीं है, कहाँ है वो? अरे इस तरह चिल्लाने से क्या होगा? क्या, 2 दिन बाद उसकी मैट्रिक परीक्षा है, इस तरह दिन भर मस्ती करने से चलेगा क्या? तुम उसकी माँ हो, ध्यान तो रख सकती हो। आप क्यों नहीं रखते? हर बात पे जुबान मत चलाया करो। ठीक है, नहीं बोलती मैं। लगता है पिछली बार की तरह इस बार भी नाक कान कटवाएगा। उसे लेकर कितनी उम्मीद थी, मैट्रिक पास करके नौकरी करेगा। वो रामेश्वर का बेटा कांस्टेबल बन चुका है। नौकरी से क्या होता है, एक ही बेटा है हमारा, घर में ही रहकर जादव की तरह खेतीबाड़ी करने से भी तो चलेगा। रहने दो, हल से खेती करेगा, घर का एक काम तक नहीं करता, उसके लिए सरकारी नौकरी ही सही है। वो पढ़ाई में अच्छा था, अभी भी समय है, उससे कहो ठीक से पढ़ाई करे, सरकारी नौकरी करके खानदान का नाम ऊंचा करे। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये सब क्या हो रहा है, इस इलाके के किसानों को जानते ही है, जबकि इस लिस्ट में कुछ ऐसे लोगों के नाम हैं जो असल में किसान ही नहीं है, तो समझ जाता कहाँ है? सर नहीं मतलब नहीं मतलब अगर काम करने की इच्छा है तो अच्छी तरह से कीजिए, वरना एजेंसी छोड़ दीजिए, मेरे रहते हुए ये सब यहाँ नहीं चलेगा। सर हम ठहरे व्यापारी, आज से आप जो बोलेंगे वही करेंगे। हमारे कहे अनुसार चलते हो तो ठीक है, लेकिन ये गड़बड़ी हुई कैसे? सर लिस्ट मैंने तैयार नहीं की है, रतनपुर के महाजन ने किया है। महाजन ने? लेकिन महाजन को लिस्ट बनाने के लिए मिला कैसे? महाजन हरिदे का प्रभावशाली व्यक्ति है, वो जो बोलते हैं इस अंचल की लोग मान लेते हैं। पहले वाला अधिकारी ने इस लिस्ट पर दस्तखत किया था। समझा, लेकिन देखिए आप एक एजेंट है, आपका काम है लिस्ट देखकर दवाई खाद बीज को सप्लाई करना, और कौन सी किसान को क्या देना है ये लिस्ट मैं तैयार करूंगा, कोई महाजन नहीं, समझे? जी सर। अब आप जा सकते हैं। ठीक है, चलता हूँ सर। सहरिया सर, इस बात पर
आप भी ध्यान दीजिए। जी सर। देखिए, अब हमारा पहला काम है इस अंचल के जिन किसानों को दवाई, खाद, बीज की जरूरत है उनकी एक लिस्ट तैयार करना। अब से खाद, बीज, दवाइयाँ हमारे सामने वितरण किया जाएगा ताकि सभी किसानों को उनका सही हिस्सा मिल सके। मैं एक बात सोच रहा हूं। शायद आप कृषक सहकारिता के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, कृषक सहकारिता अंचल के गरीब किसानों के विकास करने का एकमात्र रास्ता। सर, लेकिन सहकारी तौर पर खेती करने से पहले महाजन और गांव बूढ़ा को इस बात से अवगत करना ठीक रहेगा शायद, क्योंकि इस अंचल में सबसे ज्यादा जमीन उन्हीं की है और हमारे अधिकतर लोगों की जमीन उनके पास गिरवी रखी हुई है। ठीक है, मैं महाजन से मिलूंगा। अरे ओ चकलू, तेरा सिर जैसा। सिर्फ दो? हाँ, बहुत सारे तोड़े थे, उस खरुस बुड्ढे ने भगा दिया इसीलिए सिर्फ दो ला पाए। लानत है यार तुम लोगों पे। लानत है, हाँ? लानत है, खुद जाके ला, बात कहता है। उस्ताद, आपके लिए तोहफा। अबे गधे, चुप कर। मिस्टर बुरुआ, आपसे मिलने ऑफिस गया था, पता चला आप यहाँ पर है। सुना है आप रतनपुर में हरित क्रांति लाएंगे, अच्छी बात है। एजेंट मुकुल कलिता मेरे पास आया था। हाँ तो सुना है इस बार किसानों के लिस्ट आप ही तैयार करेंगे। हाँ, आप ही कीजिए, पर ध्यान रहे मेरे लोगों का नाम इस लिस्ट से ना हटाए। आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे जो कहना था कह चुका हूँ। आपके कहने का मतलब है जिन लोगों का खेत से कोई नाता नहीं है उन्हें भी हमें कृषि सहायता देनी होगी? देनी होगी, देनी ही पड़ेगी। सुनिए मिस्टर बरुआ, आपकी उम्र काफी कम है, हमने जनता की सेवा करते करते बाल पकाया है, कब कहां क्या करना है ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं, आपको शायद नहीं पता। किसानों की इस छोटी सी लिस्ट का आने वाले राज्यसभा चुनाव के साथ कितना गंभीर नाता है। जब बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो, ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचाने और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800-11-3060 या 1800-11-3061। आप
सकते अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। इसीलिए मेरे लोगों को आप लिस्ट से नहीं हटा सकते। ऐसा हुआ तो मुझे एमएलए को जानकारी देनी होगी। इस विषय पर हम बाद में भी चर्चा कर सकते हैं। अब असली मुद्दे पर आते हैं। असली मुद्दा? जी हाँ, सर ने एक नेक बात सोची है। अच्छा, जरा हम भी तो सुने इस नेकी के बारे में। सब मिलकर सहकारिता पर खेती करने की सोच रहे हैं, मतलब कृषक सहकारिता। पर इससे हमें क्या फायदा? फायदा तो है, गांव के सभी लोगों की आर्थिक हालत सुधरने के लिए हमें कृषक सहकारिता करनी ही होगी। अरे वाह, इस बार तुम भी समाज सेवा में लग गए। लगता है कुछ चिल्लर जोर लिया है तुमने। करो तुम लोग कृषक सहकारिता, तुम्हें जमीन देगा कौन? ये हरिदे का महाजन। आप क्या सोच रहे हैं कि आपके वगैरह सहकारिता नहीं होगी? सर की मदद से इस रतनपुर गांव में आप लोगों की आंखों के सामने कृषक सहकारिता स्थापित करके दिखाऊंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि सर मुझे पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। मैं भी देख लूंगा कैसे स्थापित होता है ये कृषक सहकारिता। देखिए, कृषक सहकारिता के बारे में समझाने के लिए हम इस इलाके के सभी किसानों के घर गए हैं, और आज यहाँ भी इकट्ठा हुए हैं। इस सहकारिता आंदोलन को सफल करने के लिए गांव के सभी किसानों को एकजुट होना होगा, तभी सरकारी सुविधाओं का फायदा मिलेगा। देखिए, हमारे इस इलाके के अधिकतर किसान गरीब है। आधुनिक पद्धति से खेती करने के लिए हमें पहले कुछ रुपयों की जरूरत होगी। अगर आप सहकारिता के जरिए आगे बढ़ेंगे तो बैंक से ऋण लेने में सुविधा होगी। अरे रहने दो बैंक का ऋण, इतने दिनों से तुम लोगों को ऋण कौन देता आया है? और कौन देगा माय बाप, आप ही देते आए हैं। जाओ ले लो बैंक का ऋण, लेकिन विपदा होने पर, मतलब तुम्हारी बेटी की शादी के समय, तुम्हारी बीवी की प्रसव के वक्त, किसी के पिता की श्राद्ध के वक्त, महाजन के पास हाथ फैलाने मत आना। हाँ, मत आना। तो माय बाप, अब हमें क्या करना चाहिए? आप लोगों को उन्नत जात की बीज का इस्तेमाल करना होगा, ऐसे ही खाद और दवा प्रयोग करना होगा, इससे आपको दुगनी फसल मिलेगी। हालांकि पहली साल आपको थोड़ी अधिक मेहनत करनी होगी, लेकिन ये एक बार लय में आ गए तो आपको किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं पड़ेगी, किसी से उधार नहीं मांगनी पड़ेगी। लेकिन पहला साल? पहला साल क्यों? तुम लोग उस दूध पीते बच्चे के बातों में आ गए तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। समझ लो बात। आप लोग बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? सहकारिता से आपको फायदा पहुंचेगा, सार को नहीं। मैं तो नौकरी करने वाला आदमी हूँ, आज यहाँ कल कहीं और हूँगा। मैं चाहता हूँ रतनपुर इस अंचल के लिए एक आदर्श बने। यही सही समय है, हमें हाथ में हाथ मिलाकर आगे बढ़ना होगा। हमारे बीच से जो जा चुके हैं उन्हें समझा बुझा कर वापस लाना होगा। रतनपुर में एक कृषक सहकारिता बना के ही रहेंगे। रतनपुर गांव में कृषक सहकारिता नहीं बनेगी, ये मेरा फैसला है, महाजन हरिदेका का फैसला। हाँ हाँ, महाजन हरिदेका सही कह रहे हैं। अगर कोई हमारे विरोध जाकर उस शहरी लौंडे और जादव का साथ देता है तो बंधक में रही तुम्हारी जमीन हाथ से जाएगी ही।
आधिया कर जो अनाज पाते हो उससे भी हाथ धो बैठोगी। तुम लोगों को सावधान किए देता हूँ, ये मेरी आखिरी बात है, समझ लो। ये क्या हो रहा है जनाब जी, बसे खुशे लोग भी महाजन और गांव भरा का साथ देने लगे? कुछ नहीं होने वाला है इस गांव का। पहले तो सोचा था इस गांव में दो ही धोखेबाज हैं, लेकिन अब लगता है सब धोखेबाज हैं। महाजन और गांव बुढ़ा की बात पर उठने बैठने वाले दलाल। हमें धीरज नहीं खोना है जादव जी, ये सीधे साधे लोग एकदम भोले हैं। इनको फुसलाने का तरीका महाजन अच्छी तरह जानता है। चल कपट इस शोषक श्रेणी के नस नस में भरा है। इन अभागे लोगों को बचाने के लिए हमें जूझना होगा। हाँ, जी जान से जूझना होगा। देखो रमला, पहले हमें इस गांव में किसान मेला आयोजित करने की सोचनी होगी। किसान मेला? किसान मेला, क्योंकि यही एक मौका है जिसके जरिए हम रतनपुर गांव के सभी किसानों को हमारे बीच वापस ला पाएंगे। Thank you.